प्रवासी परिवार जन से मैं दिवाली की सब हम आपस में मिल भी रहे हैं और आज सभी से दिवाली की बधाई भी प्राप्त हुई। तो मैं सभी मेरे क्षेत्र को, मेरे क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। उनको, उनके परिवार को बहुत आगे बढ़े, स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। प्रदेश के लिए कोई अच्छा मैसेज दिवाली के पर पे आप? प्रदेश के लिए तो ये है कि प्रदेश को तो मैं सबको बधाई दिवाली की, और एक बात और कहना चाहूँगी कि जो सरकार और प्रशासन तो अपनी ओर से प्रयास भी करता है, काम भी करता है कि हम लोग क्षेत्र को कैसे आगे बढ़ाएं, डेवलपमेंट कैसे करें, पर इसमें नागरिकों की भागीदारी भी उतनी ही ज़रूरी है। तो अपना नागरिक धर्म निभाएं और अपना, अपनी जिम्मेदारी को वो भी निभाएं अपनी ओर से। तो मुझे लगता है अगर नागरिक और प्रशासन और सरकार मिलकर काम करेगी ना, तो वो दिन दूर नहीं है जब राजस्थान सबसे विकसित प्रदेशों में नंबर वन। मैडम, पर्यटन को लेके जो है राजस्थान, आपकी संभावना और आपने प्रयास भी काफी की, आने वाले समय में क्या सीनियर रहेगा? पर्यटन की संभावनाएं राजस्थान में वैसे सबसे ज्यादा है पूरे देश में। तो पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए नए डेस्टिनेशंस को डेवलप करना, टेक्नोलॉजी से भी पर्यटन को जोड़ना, और जो हमारे चाहे फेस्टिवल्स हों, हमारे चाहे त्यौहार हो, हमारे जो बड़े बड़े जैसे हमारे मंदिर हैं, हमारे और भी जो स्थल हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, इनको भी आगे बढ़ाना, इनको ज़्यादा प्रमोट करना, मार्केटिंग पे भी ध्यान देना कि राजस्थान के बारे में जो सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से पूरे विश्व में प्रचार होना चाहिए, वो भी अच्छे तरीके से हो, बड़े स्तर पे हो, उसके लिए भी हम लोग कोशिश करें। राइजिंग राजस्थान में भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए गए हैं। जो रिप्स की पॉलिसी 2024 लॉन्च हुई है, उसमें भी पर्यटन क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिवाइज करने के लिए उसमें बहुत सारे प्रावधान हैं।